हेलो डियर फार्मा स्टूडेंट, वेलकम टू जीडीसी क्लासेस। आज हम डिप्लोमा इन फार्मेसी का फर्स्ट ईयर पूरा सिलेबस क्या है उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो फार्मास्यूटिक्स का कोड क्या है, कोर्स कोड है इसका ER2011T। ठीक है, ये 75 आवर्स का होगा जो कि 3 आवर्स में होगा, पर वीक 3 आवर्स होना चाहिए। तो सिलेबस क्या है, कभी भी सिलेबस देखने से पहले आपको उस कोर्स से क्या मिलने वाला है ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझना चाहिए। ठीक है, फार्मास्यूटिक्स जो होता है आपके फार्मेसी कोर्स का मेन पोर्शन होता है, क्योंकि आप इसमें ड्रग कैसे बनता है, क्या टेबलेट होता है, क्या कैप्सूल होता है, क्या ऑइंटमेंट होता है, ये सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे तरीके से इसमें समझते हैं। तो इस कोर्स को करने से आपको क्या स्कोप है, क्या कोर्स का ऑब्जेक्टिव है, और कोर्स को पूरा कंप्लीट करने के बाद इससे क्या आउटकम आपको मिलने वाला है। ठीक है, कोर्स कोड क्या है, ER2011T है, 75 आवर्स का होना चाहिए जो कि पर वीक 3 आवर्स का क्लासेस होना ही चाहिए। स्कोप क्या है, इस कोर्स को करने से आपको बेसिक नॉलेज मिलेगा, आपका स्किल और आर्ट जो है किससे रिलेवेंट रहेगा, आपका फार्मेसी से, कैसे उसका फॉर्मुलेटिंग होगा, कैसे डिस्पेंस किया जाएगा फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म को। ठीक है, कैप्सूल हो गया, टेबलेट हो गया, इंट्रावीनस आईवी हो गया, ठीक है, आईएम हो गया, इन सभी को कैसे डिस्पेंस किया जाता है, सारी चीज़ें किस टाइम पे लेना चाहिए, खाने के बाद लेना चाहिए, खाने से पहले लेना चाहिए, ठीक है, हर एक चीज़ अच्छे से आप स्टडी किस में करेंगे, फार्मास्यूटिक्स में करेंगे। पहला तो हो गया स्कोप, दूसरा हो गया है कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। फार्मास्यूटिक्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है जो कि डोजेस फॉर्म पे डिपेंड करता है। अब डोजेस फॉर्म मतलब क्या होगा, एक रहेगा सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म, सॉलिड लिक्विड फॉर्म, लिक्विड लिक्विड फॉर्म, है ना, इन तरीके का अलग अलग फेज का आप अच्छे से स्टडी करेंगे। ठीक है, जिसमें से आपका कोर्स ऑब्जेक्टिव में डोजेस फॉर्म में पहला है कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्या टाइप्स रहेगा, और क्या नीड है, नीड मतलब क्या ज़रूरत क्यों है। ठीक है, हर एक का अलग अलग कंडीशन देखेंगे। इसी के बाद सेकेंड रहेगा इसका एडवांटेज क्या रहेगा और डिसएडवांटेज क्या रहेगा। सॉल्यूशन में जैसे आपका सिरप हो गया, बहुत सारा ड्रग जो होता है सिरप फॉर्म में भी आ जाता है, वही टेबलेट और कैप्सूल के फॉर्म में भी आता है, तो इसमें आप क्या स्टडी करेंगे, अगर वो सॉल्यूशन के फॉर्म में है, लिक्विड के फॉर्म में है, तो क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, या फिर उसको टेबलेट के फॉर्म में हम लेके आए हैं तो उसका क्या डिसएडवांटेज है और एडवांटेज है, ये सारी चीज़ें आप स्टडी करेंगे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फॉर्मुलेशन, कैसे उसको प्रिपेयर किया जाता है, किस मेथड से प्रिपेयर किया जाता है, उसका फॉर्मुलेशन क्या होगा, टेबलेट होगा, कैप्सूल होगा, इंजेक्शन होगा, क्या होगा, इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से देखेंगे। अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है पैकेजिंग, पैकेजिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहता है। ठीक है, क्योंकि हर एक ड्रग जो है अलग अलग कंडीशन के लिए बना हुआ होता है ना, कोई पर्सन अलग जगह में थोड़ा अलग अलग एनवायरनमेंट में अलग अलग तरीके का खुलता है, इसी तरीके से टेबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया, ठीक है, सस्टेन्ड रिलीज टेबलेट, उसको बहुत अच्छे से पैकेजिंग की ज़रूरत पड़ती है, अगर उसको ऐसे नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो तुरंत ही क्या उसको लेते हैं तो तुरंत ही मेल्ट हो जाता है, घुल जाता है हमारे मुंह में, है ना, तो उसका पैकेजिंग भी बहुत अच्छे से होना चाहिए, कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं आप। ठीक है, अब टेबलेट को हम एक नॉर्मल सिल्वर का जो कलर का जो होता है पैकेजिंग उसमें करते हैं, लेकिन सिरप को हमको एक डार्क ब्राउन कलर का जो बॉटल होता है मैक्सिमम उसमें ही हम लोग कंटेन करके देते हैं, तो पैकेजिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहता है। ठीक है, फोर्थ है इसका बेसिक क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमारे बॉडी में वो ड्रग जाएगा
ठीक है, हमारे बॉडी में जब हम उस ड्रग को लेंगे अगर उसमें क्वालिटी ही नहीं रहा तो क्या मतलब होगा उस ड्रग को लेने का। इसलिए क्वालिटी टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और क्वालिटी का अश्योरेंस भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे से मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या क्या हो गया था, बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, टाइप हो गया, नीड हो गया, एडवांटेज हो गया, डिसएडवांटेज हो गया, मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया, फॉर्मुलेशन हो गया, पैकेजिंग क्या होना चाहिए, कैसा उसका लेबलिंग होना चाहिए जिससे सामने वाले को इजी पड़े उससे रिलेवेंट जो ड्रग है उसके सारी चीजों को जानने के लिए, समझने के लिए, बेसिक क्वालिटी कंट्रोल हो गया, क्वालिटी एश्योरेंस हो गया और गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। ऑफ कोर्स का आउटकम जब आप ये पूरा स्टडी कर लेंगे तो आपको इससे क्या क्या सीखने को मिला है उसी के बारे में है। ठीक है, तो आप इसमें क्या क्या सीखेंगे, डिस्क्राइब अबाउट द डिफरेंट डोजेस फ्रॉम देयर फॉर्मुलेशन एक्सेप्ट। ठीक है, अगर आप इसको बहुत अच्छे से समझ लेंगे तो अलग अलग डोजेस फॉर्म का कौन कौन सा है उसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या उसकी क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट होना चाहिए या फिर डिफरेंट डोजेस फॉर्म में कौन कौन सा क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, डिस्कस कर सकते हैं उसके क्वालिटी अश्योरेंस का, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का। अब आते हैं हम अपने चैप्टर नंबर 1 में, कौन सा टॉपिक है जिसको आप स्टडी करेंगे। चैप्टर नंबर 1 में आपका टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया रिलेशन टू फार्मेसी एजुकेशन। ठीक है, मतलब आप फार्मेसी ऑफ इंडिया का हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे जो कि फार्मेसी एजुकेशन से रिलेटेड रहेगा, साथ ही इंडस्ट्री से, फार्मेसी प्रैक्टिस से एंड वेरियस प्रोफेशनल एसोसिएशन से, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सेकेंड है आपका फार्मेसी एज अ कैरियर को डिस्कस करेंगे और बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया है ना, इन सारे को बहुत अच्छे से आप देखेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू आईपी, बीपी, यूएसपी, एनएफ एंड एक्स्ट्रा फार्माकोपिया और इसका साइलिंग फीचर क्या होगा, किसका, इंडियन फार्माकोपिया का। हम इंडियन है तो इंडियन का जो आईपी है, ठीक है, इंडियन फार्माकोपिया है, उसका साइलेंट फीचर क्या होगा, उसका पूरा हिस्ट्री क्या होगा, ये हमको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो इस चैप्टर से आप इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझने वाले रहोगे। ठीक है, सेकेंड चैप्टर में आपका है पैकेजिंग मटेरियल्स में उसका टाइप क्या होगा, कैसे उसका सिलेक्शन का क्राइटेरिया होगा, क्या उसका एडवांटेज होगा और क्या उसको यूज़ करने से डिसएडवांटेज होगा, जैसे कि ग्लास का अगर हम किए, प्लास्टिक का किए, मेटल का यूज़ किए, रबड़ का यूज़ किए एज अ पैकेजिंग मटेरियल में। ठीक है, पैकेजिंग मटेरियल में आपको उसका टाइप्स हो गया, सिलेक्शन का क्राइटेरिया देखना रहेगा और एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी देखना रहेगा अगर आप पैकेजिंग मटेरियल में ग्लास, प्लास्टिक, मेटल और रबड़ का यूज़ कर रहे हैं। तो फिर थर्ड चैप्टर है आपका फार्मास्यूटिकल एड्स में आप देखेंगे ऑर्गेनोलेप्टिक, जिसमें कलरिंग हो गया, क्या फ्लेवरिंग होगा, क्या फ्लेवरिंग एजेंट यूज़ होगा और क्या स्वीटनिंग एजेंट यूज़ होगा। ठीक है, बहुत सारा टेबलेट आप देखते हैं, सभी टेबलेट का कलर एक जैसा नहीं होता है, कोई येलो कलर का रहता है, कोई पिंक कलर का रहता है, कोई ग्रीन कलर का रहता है। ठीक है, तो अलग अलग कंडीशन पे उसका यूज़ होता है, तो इसलिए कलरिंग हो गया, फ्लेवरिंग एजेंट हो गया, स्वीटनिंग एजेंट हो गया। अब पॉइंट को बहुत अच्छे से समझिए, फार्मास्यूटिकल एड्स जितना भी, जैसे कि आपका टेबलेट कैप्सूल जो बन रहा है, जो उसमें ऐड होगा एक एडिशन के तौर पे, जैसे उसका कलर हो गया, क्या फ्लेवर होगा, क्या स्वीटनिंग एजेंट के फॉर्म में यूज़ हो रहा है, साथ ही आप इसमें देखेंगे प्रिजर्वेटिव,
प्रिजर्वेटिव मतलब क्या, उसको सेफ रखने वाला, ठीक है। तो क्या रहेगा इसका डेफिनेशन, क्या टाइप्स है, और उस टाइप्स के अंदर जो आ रहा है उसका एग्जाम्पल क्या होगा और किस में यूज होगा, इन सारी चीजों को आप चैप्टर नंबर 3 में समझेंगे। चैप्टर नंबर 4 थोड़ा सा बड़ा है और इसको बहुत ही आपके सिलेबस में बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, ठीक है। इसमें आप यूनिट ऑपरेशन, पहला है आपका यूनिट ऑपरेशन के बारे में देखेंगे, जिसमें इसका डेफिनेशन होगा, ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, उसका क्या एप्लीकेशन है, क्या प्रिंसिपल है, क्या कंस्ट्रक्शन है और क्या इसका वर्किंग रहेगा, ठीक है। जिसमें साइज रिडक्शन में हैमर मिल हो गया, बॉल मिल हो गया, साइज सेपरेशन में, साइज रिडक्शन मतलब क्या होगा, रिड्यूस करने वाला, उसको कम करेगा, ठीक है, तोड़ तोड़ के। साइज सेपरेशन मतलब उससे अलग करेगा। तो साइज रिडक्शन में क्या आ गया आपका, हैमर मिल हो गया और बॉल मिल हो गया। साइज सेपरेशन में आपका क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर अकॉर्डिंग टू आईपी, ठीक है, साइक्लोन के साथ सेपरेशन, सीव एंड स्टैंडर्ड ऑफ सीव्स, ठीक है, सीव्स मतलब वो छन्नी जैसा रहता है जिससे आपको वो जो स्मॉल पार्टिकल्स रहेगा वो उसको छन के नीचे चला जाएगा, इस तरीके का मेथड रहेगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं मिक्सिंग प्रोसेस, ठीक है, मिक्सिंग प्रोसेस में आप डबल कॉर्न ब्लेंडर देखेंगे, जिसमें टर्बिन मिक्सचर हो गया, ट्रिपल रोलर मिल हो गया एंड सिल्वर सॉन मिक्सर होमोजेनाइजर के बारे में आप डिस्कस करेंगे। फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन का थ्योरी क्या होगा, ठीक है, थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन हो गया, इसी में ही मेम्ब्रेन फिल्टर के बारे में पढ़ेंगे और सिंटरेट ग्लास फिल्टर के बारे में आप स्टडी करेंगे। नेक्स्ट रहेगा ड्राइंग में आप क्या क्या देखेंगे, वर्किंग ऑफ फ्लूड जेट बेड ड्रायर, ठीक है, एंड प्रोसेस ऑफ फ्रीज ड्राइंग, अलग अलग ड्राई करने का टेक्निक है उसके बारे में आप अच्छे से देखेंगे। साथ ही एक्सट्रैक्शन में इसका डेफिनेशन क्या होगा, किस तरीके का उसका क्लासिफिकेशन होगा, क्या क्या मेथड यूज होगा एक्सट्रैक्शन में एंड उसका एप्लीकेशन क्या होगा, इन सारे चीज़ों के बारे में आप चैप्टर नंबर 4 में समझेंगे। क्या क्या है, यूनिट ऑपरेशन में आपका साइज रिडक्शन हो गया, साइज सेपरेशन हो गया, ठीक है, फिर मिक्सिंग का प्रोसेस देखेंगे, फिल्ट्रेशन का देखेंगे, ड्राइंग का देखेंगे और एक्सट्रैक्शन क्या होता है, इन सारी चीज़ों को आप इसमें स्टडी करेंगे। चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 में आप इसके बाद बनाना सीखेंगे कि टेबलेट क्या होता है, कैप्सूल क्या होता है, ठीक है, लिक्विड ओरल प्रिपरेशन क्या होगा, टॉपिकल प्रिपरेशन क्या होगा, पाउडर एंड ग्रैन्यूल्स के बारे में देखेंगे, स्टराइल फॉर्मुलेशन के बारे में देखेंगे, इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट के बारे में देखेंगे। तो चैप्टर नंबर 4 जितना इम्पॉर्टेंट था उतना ही चैप्टर नंबर 5 भी इम्पॉर्टेंट है। पहला आपका आ गया है टेबलेट। टेबलेट हर कोई जानता ही होगा, आज के डेट में कोई भी टेबलेट यूज़ करने से बचा नहीं होगा, है ना। तो इसी टेबलेट के बारे में क्या क्या चीज़ होता है, क्या इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कैसे बनता है, इन सारी चीज़ों को आप इसमें देखेंगे। तो टैबलेट में आप देखेंगे कोटेड और अनकोटेड टैबलेट के बारे में, ठीक है, वेरियस मॉडिफाई टेबलेट, जैसे कि सस्टेन रिलीज हो गया, एक्सटेंड रिलीज हो गया, या फिर फास्ट डिजॉल्विंग, या फिर मल्टीपल लेयर, ठीक है, ध्यान से समझिए इस चीज़ को। टेबलेट हो गया, टेबलेट में एक टाइप का आता है कोटेड और अनकोटेड टेबलेट, ठीक है। अब इस टेबलेट में और भी बहुत सारा मॉडिफाई तरीके का होता है, इसलिए वेरियस मॉडिफाई टेबलेट। तो इस वेरियस मॉडिफाई टेबलेट में कौन कौन सा है, सस्टेंड रिलीज हो गया, एक्सटेंडेड रिलीज हो गया, फास्ट डिजॉल्विंग, या फिर मल्टीपल लेयर ETC, ठीक है, ऐसी ही वेरियस मॉडिफिकेशन टेबलेट के बारे में आप पढ़ेंगे, इन तीनों के ही बारे में, इन चारों के ही बारे में। कौन कौन सा है इसमें, सस्टेन, एक्सटेंड रिलीज, फास्ट डिजॉल्विंग एंड मल्टीपल लेयर, ठीक है। पहला हुआ टेबलेट, दूसरा हुआ कैप्सूल। अब कैप्सूल में दो पॉइंट ही बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्ड कैप्सूल और सॉफ्ट कैप्सूल। सॉफ्ट कैप्सूल में आप अपने पुदीन हरा वाला जो रहता है ग्रीन कलर का, आप उसको समझ सकते हैं। हार्ड कैप्सूल में जो दो इस तरीके का
एक रहता है आपका वाइट कलर, एक रहता है रेड कलर, ऐसे बहुत सारा कलर का आता है। ये आपका आ जाता है हार्ट जिलेटिन कैप्सूल, ठीक है। और ये ग्रीन कलर का रहता है, जैसे कि आपका पुदीन हरा। तो इसको बोलेंगे आप ये सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। अलग अलग कलर का होता है, लेकिन बस आपको एग्जांपल के लिए जो आप इजी तरीके से अभी के डेट में आपको याद है उसके लिए है, ठीक है। ये हार्ड जिलेटिन के लिए रहेगा। हार्ड जिलेटिन में एक कैप की तरह इस तरीके से लगा रहता है। सॉफ्ट जिलेटिन में क्या होता है, वो एक ही फिल में पूरा फिल हो जाया रहता है, ठीक है। तो पुदीन हरा हो गया आपका, इस तरीके से वाइट हो गया, और ब्रेड कलर का जो कैप की तरह लगा हुआ आता है वो सब आ जाता है आपके कैप्सूल में, हार्ड और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में, ठीक है। अब देखते हैं लिक्विड ओरल प्रिपरेशन। पहला टेबलेट, सेकंड कैप्सूल, थर्ड है लिक्विड ओरल प्रिपरेशन। तो लिक्विड ओरल प्रिपरेशन में आपका क्या क्या जाएगा, सॉल्यूशन हो गया, सिरप हो गया, एलिक्सर हो गया, इमल्सन हो गया, सस्पेंशन हो गया, ड्राई पाउडर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसी के साथ साथ टॉपिकल प्रिपरेशन जो कि 4 नंबर में है, इसमें आप ऑइंटमेंट हो गया, टॉपिकल प्रिपरेशन मतलब टॉपिकली जो यूज़ होगा, अप्लाई होगा, ऑइंटमेंट हो गया, क्रीम हो गया, पेस्ट हो गया, जेल हो गया, लिनिमेंट हो गया, लोशन हो गया, सपोजिटरी हो गया, और पेस्टराइज हो गया, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेजल प्रिपरेशन हो गया और ईयर प्रिपरेशन हो गया, जो कि पिकली में भी यूज़ होता है। पाउडर एंड ग्रैन्यूल्स, 5 नंबर का पाउडर एंड ग्रैन्यूल्स में इंसफ्लेशन हो गया, डस्टिंग पाउडर हो गया है, इफरवेसेंट पाउडर हो गया, और इफरवेसेंट ग्रैन्यूल्स हो गया। इफरवेसेंट ग्रैन्यूल्स मतलब क्या हो गया, जैसे इनो, इनो को अगर हम पानी में डालते हैं तो क्या होता है, जो बुलबुले की तरह निकलता है, ठीक है, उसी को ही बोला जाता है इफरवेसेंट, ठीक है। 6 नंबर में क्या है आपका, स्टराइल फॉर्मुलेशन, जिसमें इंजेक्टेबल हो गया, आई ड्रॉप हो गया, आई लिली, आई ऑइंटमेंट हो गया, ठीक है, आई ऑइंटमेंट हो जाएगा। इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट में आपका आ जाता है सीरम, वैक्सीन, टॉक्सॉइड एंड देयर मैन्युफैक्चरिंग मेथड। इसको किस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से, किस मेथड से बनाया जाता है, इन सारी चीज़ों को आप इसमें डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 6 में आप क्या क्या देखेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर, लेआउट, सेक्शन एंड एक्टिव्स ऑफ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, जिसमें आप इसका डेफिनेशन क्या होगा, क्या कॉन्सेप्ट होगा क्वालिटी कंट्रोल का, क्या क्वालिटी एश्योरेंस होना चाहिए, ठीक है। करेंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस CGMP एंड इंट्रोडक्शन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कैलिब्रेशन और वैलिडेशन, इन सारी चीज़ों को आप चैप्टर नंबर 6 में डिस्कस करेंगे, समझेंगे अच्छे से। चैप्टर नंबर 7 जो कि लास्ट चैप्टर रहेगा आपके फार्मास्यूटिक्स का, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ठीक है, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसका क्लासिफिकेशन क्या होगा, क्या एग्जांपल रहेगा, और क्या एडवांटेज रहेगा और क्या चैलेंज रहेगा, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आप चैप्टर नंबर 7 में देखेंगे। तो इस तरीके से फार्मास्यूटिक्स का पूरा चैप्टर हम डिस्कस कर लिए, चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 7 तक, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसे ही और भी फर्स्ट ईयर का जितना सब्जेक्ट है, उन सारे सब्जेक्ट का सिलेबस का वीडियो इस चैनल में डल चुका है, उसको ज़रूर से आपको देख लेना है।